শ্রদ্ধা সুমন অর্পণ করেছেন সেখানে সে আনুষ্ঠানিক ভাবে শুভারম করতে দাণ্ডিযাত্রা হে ভারত পঁচস্তরীতম স্বাধীনতা দিবস অবসরের আয়োজিত অমৃত মহোৎসব অংশবিশেষ সাবরমতী আশ্রমে থাকা হৃদয়কুঞ্জে মহাত্মা গান্ধী প্রতমূর্তি পুষ্পমা অর্পণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী অহম্মদাদ্র অভয়ঘাট নিকটে আর এক স্বতন্ত্র প্রদর্শনীক যাই চিত্রাবলী পত্রপত্রিকা এবং অন্যান্য संग्रहित सामग्री देखिसेंती अमृत महोत्सव शुभारंभ सहित सांस्कृतिक एवं पारंपरिक कला प्रदर्शन करा जायछि सेबले भाबरे वैक्सीन पूरा विश्व लाभ पाउथबा मोदी कहिसेंती 15 अगस्त 2023 तक चलेगा हमारे यहां मान्यता है कि जब कभी ऐसा अवसर आता है तब सारे तीर्थों का एक साथ संगम हो जाता है आज एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए भी ऐसा ही पवित्र अवसर है आज हमारे स्वाधीनता संग्राम के कितने ही पुण्य तीर्थ कितने ही पवित्र केंद्र साबरमती आश्रम से जुड़े रहे हैं स्वाधीनता संग्राम की पराकाष्ठा को प्रणाम करने वाली अंडमान के सेल्यूलर जेल अरुणाचल प्रदेश से एंग्लो इंडियन वॉर की गवाह केकर मॉर्निंग की भूमि मुंबई का अगस्त क्रांति मैदान पंजाब का झलिया वाला बाग उत्तर प्रदेश का मेरठ काकोरी और झांसी देशभर में ऐसे कितने ही स्थान पर आज एक साथ इस अमृत महोत्सव का श्री गणेश हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे आजादी के असंख्य संघर्ष असंख्य बलिदानों का और असंख्य तपस्याओं की ऊर्जा पूरे भारत में एक साथ पुनर्जागृत हो रही है